शेखोपुरा में नॉन स्टॉप डकैतियों का सिलसिला जारी है। शहर डाकुओं के नरगे में है, जबकि रहमत कॉलोनी में होने वाली डकैती का सुराग ताहाल न मिल सका। पुलिस मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम नजर आ रही है। इसी पर रिपोर्ट देखते हैं अपने नुमाइंदे अरशद परवेज की। हाँ जी अंकल जी, दसना किवें वखो आया ते किवें बंदे अंदर दाखल होए? सर मैं रहमत कॉलोनी नंबर 2 गली नंबर 9 दा रहिशी हाँ। तो एक बंदे ने दरवाज़ा नोक किया, मेरे पोतरे ने दरवाज़ा खोल दिता फौरन। वो दो छापर उन्हें अंबा ने फड़े, वो सीधा आन के डायरैक्ट उन्हें मंजी से रख दिते। तो बाहर दूसरी साइड छोटी गली के दरवाज़ा, वो जाके उन्हें दरवाज़ा ला के। हाँ जी अंकल जी, जो बंदा अंदर गया है तो उन्होंने किसी ने नहीं देखा कि वो किवें अंदर चला गया? किसी ने शोर नहीं पाया? नहीं जी, उन्हें जो इतने अम्मा रखे वो पिछे गया है। तो मेरी बच्चियाँ, मेरी बहू, मेरी बेगम बैठी है, उन्होंने शोर बचाया, चोर चोर, तो उन्हें कोई गल नहीं सुनी। वो पिछों होकर वापस आया, उन्नी देर तक 3 बंदे होर अंदर। नहीं, मैं छत से हाँ। तो छत तो जिस वे शोर सुनिया, तो मैं आस्ता आस्ता बुजुर्ग बंदा था, मैं आस्ता आस्ता नीचे आया। तो 3 बंदे पिछों होर दाखिल हो गए, उन्हें एक ने फौरन मेरे जो पिस्तौल रख दिया। जो ना मेरे पिस्तौल रखा जी, मेरे बच्चों ने भी शोर मचा शुरू किया, तो मैं भी उत्तों शोर, मैं बगैर था तू कौन आ? तो उन्हें कहा कि फिर चुप कर जाओ, नहीं तो मैं फायर मार देंगे। वो फायर बाद उन्होंने कहा जी, असं बच्चे तो उन्हें फड़ ले।